एक ऐसा ETF जो कि 97% का प्रॉफिट दिया है, और हम समझेंगे कि क्या इस ETF में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो है इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ले रखा है, तो ये गलती आप नहीं करना। जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं गमडर एडू। गमडर एडू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 97% का प्रॉफिट, सबसे बेस्ट ETF। जी हाँ, आज की इस वीडियो में एक ऐसा ETF बताने वाला हूं जो कि 97% से ज्यादा का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए इसको समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मार्केट दिखाइए ना सर। तो मार्केट देखने चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में आज किस प्रकार से जो है परफॉर्मेंस कर रहा है। तो देखिए, अभी जो है करंट में वीडियो जो शूट कर रहा हूँ वो 3 बजे के आसपास कर रहा हूँ, तो अभी लाइव डाटा है, यानी मार्केट जो है अभी लाइव चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर नीचे भी होगा। यहाँ सबसे पहले मैक्सिमम पर क्लिक कर दे तो 2719% का जो है ऑल टाइम प्रॉफिट मार्केट आपके सामने लाइव चल रहा है। यहाँ पे मार्केट की बात करें कि निफ्टी 50 कितने पर है, 25,119 पर जो है निफ्टी 50 पहुंच चुका है। कभी ये कम कभी ज्यादा ये हो रहा है। अगर एक दिन की बात करें यानी कि आज की, तो अभी जो है मार्केट 25,125, देखिए 140 हो गया, 125 हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट की अगर बात करें तो यहाँ पे 0.35% की प्रॉफिट, लेकिन ये घट भी सकता है। देखिए अभी यहाँ पे जो है करीब, देखिए 2:25 के आसपास जो है यहाँ पे घट चुका था, यानी कि माइनस में चल रहा था। तो इस प्रकार से आपको निफ्टी देखने को मिलता है। अब सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स आप देख सकते हैं अभी सेंसेक्स जो है माइनस में चल रहा है। कितने रुपए माइनस में चल रहा है? 29 रुपए में। यानी कि सेंसेक्स की अगर बात करें कितने रुपए में है, 81,756 रुपए। देखिए आप 82,162 रुपए आपके सामने जो लाइव चल रहा है, अभी जो है 56 था, अभी 82,000 कितना हो गया, 162 रुपए पर पहुंच गया। देखिए अब 82,167 पे चला गया। आज की डेट पे सेंसेक्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। इससे पहले वाली जो आपने वीडियो देखी है उसमें मैंने मार्केट कितने पर बताई, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते हो। ETF के ऊपर आज की यह वीडियो आप लोग देख रहे हो, तो सवाल यह आता है कि ETF क्या है, समझाइए। यही होता है ना, जो भी लोग बिगनर है कि ETF क्या है सर, विस्तार से समझेंगे, आराम से समझेंगे, है ना, तभी हमें जो है फाइनेंशियल एजुकेशन आएगा, फाइनेंस के ऊपर हम अच्छा कमांड कस पाएंगे। E4 होता है एक्सचेंज, T4 होता है ट्रेड। यहां से आप देख सकते हैं T4 जो है ट्रेड, F4 फंड। तो एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब आगे इसको समझते हैं 1, 2, 3 पॉइंट्स में। 3 पॉइंट्स में समझेंगे कि ETF क्या होता है, एकदम बारीकी से समझ जाएंगे। देखिए पहला प्रतिभूतियों, यानी कि प्रतिभूतियों का मतलब होता है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज होता है का एक ग्रुप होता है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक कंपनी का ग्रुप होगा, जैसे निफ्टी 50 जो है, निफ्टी 50 ETF का जो है उसका एक ग्रुप होता है, 250 का एक ग्रुप हो सकता है। यानी कि जो कंपनियां होती है, सिक्योरिटीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसकी एक ग्रुप होगी, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी। सिक्योरिटीज का एक ग्रुप होता है जो कि स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर कारोबार करता है। जिस प्रकार से हम टाटा के स्टॉक खरीदते हैं, HDFC के स्टॉक खरीदते हैं, और उसके जो ग्राफ में कम ज्यादा होता रहता है तो वो ट्रेड करता है, इसलिए कम ज्यादा होता है। सेम ETF भी हमारा जो क्या करता है, ट्रेड करता है। सेकंड जो पॉइंट है, ETF के शेयर की कीमतों पर पूरे दिन में उतार चढ़ाव आता रहता है। अभी 9 बजे आप देखोगे कि मान लीजिए 182 रुपए पर है, तो 12 बजते हो सकता है 185 पे पहुंच जाए, यानी कि एक स्टॉक की वैल्यू। तो यहाँ पे भी ETF जो है, ETF के एक प्राइस होगा, जैसे 300 रुपए हो जाए, 180 रुपए हो जाए, तो वो प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसी लाइन का मतलब ये है। अभी ये सब प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तीसरा जो पॉइंट है, यह म्यूचुअल फंड से अलग होता है जो मार्केट बंद होने के बाद दिन में केवल एक बार ट्रेड करते हैं। 9:15 में, 9 बजे जैसे मार्केट ओपन होता है, 9:15 के बाद हम मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं कि स्टॉक को हम खरीद सकते हैं। सेम उसी प्रकार से 9:15 से लेके 3:30 से पहले आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं। एक ऐसा ETF जो कि 97% का प्रॉफिट दिया है, और हम समझेंगे कि क्या इस ETF में अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, या फिर आपने कर रखा होगा तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें जो है 97% का जो है प्रॉफिट दिया है, और इसमें हम वोलेटिलिटी भी देखेंगे। तो ये कुछ वोलेटिलिटी का ग्राफ होता है, ठीक है जी, और इसको विस्तार से भी अभी आगे समझेंगे। देखिए इस प्रकार से जो ये चल रहा है ना, तो ये जो जितना डाउन जा रहा है
और फिर जितना ऊपर जा रहा है, यानी कि इस प्रकार से ऊपर नीचे होना, इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी, है ना। कि कितना वोलेटिलिटी है, आपने यहां पैसा डाला 1,00,000 रुपए मान लीजिए आपने डाला, यहां पे आते आते आपका 50,000 रुपए हो गया, तो इसको बोलते हैं वोलेटिलिटी। अब इसमें कुछ रिटर्न की बात कर लेते हैं। इस ETF में जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था आज से 5 साल पहले, आज से 1 महीने पहले, आज से 3 साल पहले, तो कुछ इस प्रकार से रिटर्न दिया है। जिसने 1 महीने पहले पैसे को इन्वेस्ट किया था तो उस पर जो रिटर्न दिख रहा है, जैसे 1,00,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया होगा तो उस पर 1.80% का रिटर्न दिख रहा है। जिसने 1 साल पहले पैसे को इन्वेस्ट किया था इस ETF में तो 53.05% का रिटर्न दिया, यानी कि 53% से ज्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। जिसने 3 साल पहले इस ETF में पैसा इन्वेस्ट किया था उसको 97.90% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 97% से ज्यादा का रिटर्न उनको देखने को मिल रहा है। जिसने आज से 5 साल पहले पैसे को इन्वेस्ट किया था करीब उसका पैसा डबल कर दिया है। देखिए 98.08% का रिटर्न, यानी कि 98% से ज्यादा, 2% कम है, नहीं तो 100% करके दिया है 5 साल में पैसा डबल। सर बस बता दीजिए, आप अभी बताइए, अभी पैसा लगा दूंगा। लेकिन ऐसे गलती नहीं करनी है कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट देखा लॉस देखा पैसा डाल दो, ऐसा नहीं। कुछ बेसिक बात भी समझेंगे उसके बाद हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। फंडामेंटल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे AUM, जिसको बोलते हैं फंड साइज। तो फंड साइज की अगर बात करें तो देख सकते हैं 434 करोड़ इसका जो है फंड साइज है। पोर्टफोलियो पी रेशियो की अगर बात करें तो 28.19 का जो है पी रेशियो दिखा रहा है, और पोर्टफोलियो पीबी रेशियो देख सकते हैं 3.80। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बात आते हैं कि हमारा जो ETF में पैसा इन्वेस्ट होगा वो कितने स्टॉक में होगा, तो वो है 250 स्टॉक में, यानी कि 250 कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा डाइवर्सिफाई होकर। अब 250 जो कंपनी है कौन सी कंपनी है, क्या वो बड़ी कंपनी है, क्या वो छोटी कंपनी है, किस कंपनी में आखिर जो है हमारा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। और इंपॉर्टेंट जो बात है वो है एक्सपेंस रेशियो। सबसे कम एक्सपेंस रेशियो सर, सबसे कम। ETF में इन्वेस्ट करने का यही फायदा होता है कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है सबसे कम होता है। तो एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.20, इतना ही एक्सपेंस रेशियो इसका परसेंटेज में है ये। अब यहां पे आपका एक सवाल होगा कि जो 434 करोड़ जो इसका फंड साइज है, यानी कि लोगों का इतना पैसा इन्वेस्ट है, तो ये कम क्यों है। कम इसलिए है क्योंकि ये जो लॉन्च हुआ है ETF, ये 2023 में लॉन्च हुआ है, बना है, और ETF का जो सिंबल है वो है HDFC स्मॉल 250 ETF। चलिए इसको हम जानेंगे, इसका नाम भी जानेंगे, सब कुछ जानेंगे कौन सा है। फंड मैनेजर की अगर बात करें जो इस ETF को मैनेज कर रहे हैं, उनका नाम है अरुण अग्रवाल और निर्मन है, दोनों जने मिलके इस ETF को मैनेज करते हैं। अभी तक इसने 5 साल तक अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आगे भी ये ETF अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो यहां से आप समझ सकते हो, देखिए कितनी कंपनी में, अभी मैंने आपको बताया 250 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जैसे पहली कंपनी देख सकते हैं क्रोमटोन है, एक्साइट है, ब्लू स्टार है, मल्टी कॉमोडिटी है, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस है। ये जो सेंट्रल डिपोजिटरी जो सर्विस है ना सर, आप जिस भी एप्लीकेशन में म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो यही वाला आप ट्रांजेक्शन उसमें देखते हो, KYC कंप्लीट करते हो तो ये जो है काम करता है कंपनी। तो सोच के देखिए, एवरग्रीन कंपनी है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन जो है ये लगातार बने रहेगा। लेकिन हाँ, ये स्टॉक में भी गिरावट आएगी, ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन वही बात होता है शेयर बाजार में आए आप लंबे समय के लिए आए। ग्लेनमार्क है, फार्मास्यूटिकल्स है, जो दवाई की कंपनियां होती है, इस तरीके से तमाम 250 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाई होकर इन्वेस्ट होने वाला है। चलिए कुछ और बात समझते हैं। अब आप बोलोगे सर बता ही दीजिए, चलिए बता देता हूं। जो ETF का नेम है वो है HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, और ETF का मतलब आपको अभी बता दिया। करंट प्राइस की अगर बात करें तो 180 रुपए पर ये चल रहा है, और यहां पे देख सकते हैं कि 98% से ज्यादा का प्रॉफिट पिछले 5 साल में। लेकिन ये जो करंट प्राइस है 181 रुपए, ये जो प्राइस है ऊपर नीचे हो सकता है। अभी आप आज की डेट पे इन्वेस्ट करोगे तो आप करंट जो मार्केट चल रहा है वो दिखाएगा, हो सकता है 181.50 हो जाए, 181.30 हो जाए, और या 5 दिन बाद आप इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है, 1 साल बाद करोगे तो और बढ़ा हुआ मिल सकता है, क्योंकि प्रॉफिट भी देगा। मार्केट में अगर क्रैशेस आ जाए तो ये 180 की जगह आपका 150 में भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। लेकिन मेन जो मैटर है इसका नाम है, इसका नाम आप याद कर लीजिएगा। अब अगर बात करें वोलेटिलिटी की, करेंटली इस ETF में 0.80% की आज की डेट में गिरावट देखने को मिल रहा है, और आज की डेट में मैंने भी बाई कर रखा है, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बाई करते हैं। तो आप यहां पे जो है बाई कर रहे हो, यानी कि खरीद रहे हो, और उसके बाद आप सोचो
कि आते आते आप एकदम से डर गए दो तीन दिन में, और आप सोचो कि यहां पे मैं सेल कर दूं क्योंकि मेरा पैसा जो है 5% माइनस हो गया, 1,00,000 रुपया में डाला, 5% माइनस हो गया, 5,000 माइनस होने के बाद आपने सोचा मेरे को डर लग रहा है पैसा मैं निकाल लूंगा, आप निकालने जाओगे यहां पे अगर सेल कर दोगे तो इसी को बोलते हैं रिस्क और इसी को बोलते हैं वोलेटिलिटी। तो यहां पे आपको क्या करना है, सेल नहीं करना है, बेचना नहीं है। अगर यहां पे घबरा के बेच दोगे, लंबे समय तक आप वेट नहीं करोगे तो आपको शेयर मार्केट में नुकसान होगा, इसी को बोलते हैं रिस्क। देखिए जिस व्यक्ति ने यहां पे पैसे को इन्वेस्ट किया था, यहां से लेके अगर यहां तक देखे तो इस एरिया में जो है ज्यादातर वोलेटिलिटी देखने को मिली है, लेकिन आपने अगर यहां इन्वेस्ट किया है यहां से लेके यहां तक अगर आपको मान लीजिए कि 98% का प्रॉफिट मिल रहा है तो यहां पे आप अपना प्रॉफिट बुक करिए और पैसे को बेच के म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, या फिर आपको कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, प्लॉट खरीदना है, खेत खरीदना है, आप वहां पे जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है गिरावट में उसको ना बेचे। जब तक आपका जो टारगेट है कि आपने 15% का सोचा था, 20% का प्रॉफिट सोचा था, वो प्रॉफिट जब तक आपको ना मिले तब तक आप उसको ना बेचें। अब यहां पे एक सवाल आता है कि खरीदे कैसे, जो लोग बिगनर है वो सोचते हैं यार कैसे खरीदा जाए, सर तो बता देते इसमें करो उसमें करो, लेकिन खरीदे कैसे ये बताओ। देखिए खरीदने का एक तरीका है, मार्केट में बहुत सारे तमाम तरीके के एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने एक ग्रो एप्लीकेशन का उदाहरण लिया हुआ है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो डिलीवरी, आपको हमेशा जो है डिलीवरी चूज करना है। देखिए HDFC स्मॉल 250 ETF है, मैंने यहाँ पे लगा दिया, उसका प्राइस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, देखिए 181। आपको खरीदना किसमें है, वो खरीदना है आपको डिलीवरी वाले ऑप्शन पे, इस पे आपको क्लिक करना है पहली बात। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है NSE या BSE, कि आप NSE पे खरीदना चाहते हैं कि BSE पर खरीदना चाहते हैं, तो इसी पर आपने लगा दिया। अब बहुत लोग चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, भाई इंट्राडे कर लेते हैं, MTF में कर देते हैं, तो जानते हो सर ये वही लोग होते हैं जो कहते हैं रातों रात मेरा पैसा जो है डबल हो जाएगा, डबल करोड़ों का मालिक बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसी गलती आप ना करें। स्टार्टिंग है आपकी, शुरुआत है शेयर बाजार में, तो आप हमेशा कोई भी स्टॉक खरीदे तो डिलीवरी में खरीदे और बहुत चीजें जांच पड़ताल करने के बाद। लेकिन हम यहाँ पे ETF खरीद रहे हैं तो डरने की बहुत कम संभावना है, ETF खरीद रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है, 250 स्मॉल कैप ETF हम खरीद रहे हैं, 250 यानी कि 250 कंपनी, छोटी छोटी कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा, लेकिन है ETF, तो थोड़ा सा रिस्क की बात है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने NSE सिलेक्ट किया, आपने क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, मैंने यहाँ पे 10 क्वांटिटी लगाया है। उसके बाद जो मैंने प्राइस सेट किया, मैंने लिमिट प्राइस सेट किया, अगर आप ये लिमिट नहीं करोगे तो जितने पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पे 181.52 रुपए पे मार्केट चल रहा है, और आप वही ये सिलेक्ट कर लेगा अगर आप लिमिट प्राइस नहीं करोगे। मैंने जो यहाँ पे लिमिट प्राइस सेट किया है वो 180.50 पैसे पे सेट किया है, मुझे लगता है कि इस ETF में और गिरावट आएगी, 180 पर मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने अनुमान लगाया और मैंने यहाँ पे क्या करा, लगा दिया। और यहाँ पे देखिए एड मनी, तो आपको कितना पैसा चाहिए, 1,809 रुपए आपको चाहिए खरीदने के लिए, तो आपको वॉलेट में ऐड करना है और इसको खरीद डालना है, लेकिन अपनी सोच बुद्धि के हिसाब से। अब जैसे मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया, देखिए मेरा ऑर्डर है ये वाला, ठीक है जी, तो ऑर्डर मैंने लगा दिया 10 क्वांटिटी का। अब जैसे ये प्राइस आएगा, इस ETF का जो प्राइस चल रहा है वो 180.94 चल रहा है ना, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आज ही लिया है ताजा ताजा, और लिमिट एड जो मैंने लगाया 181 वहां पे लगाया था, फिर इसको एडिट किया, इस प्रकार से आप इसको एडिट कर सकते हो। तो जैसे ये प्राइस पे आएगा तो मेरा जो है ऑर्डर ट्रिगर कर जाएगा, यानी कि ETF को खरीदा जाएगा। समझ आया आपको, क्या समझाया, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, और अगर नहीं भी समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, सर समझ में नहीं आया, फिर कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में बेहतर समझाने की। अब कुछ कमेंट्स की बात कर लेते हैं, यदि आपका भी कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो जरूर लिखिएगा। देखिए पहला जो कमेंट्स है, लिखते हैं कि डियर सर मेरी एज जो है वो 22 साल है, बहुत जल्दी है जाग गए, माई SIP, इनकी SIP चल रहा है, देखिए निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 रुपए, टाटा स्मॉल कैप में 1,000 रुपए, HDFC स्मॉल कैप में 1,000 रुपए, SBI स्मॉल कैप में 1,000 रुपए, निपोन इंडिया ग्रोथ फंड में 1,000 रुपए, उसके बाद कैनरा स्मॉल कैप में जो है 1,000 रुपए, SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 में इंडेक्स में 1,000 रुपए, मोतीलाल ओसवाल में 1,000 रुपए, मोतीलाल स्मॉल कैप में 1,000 रुपए, टारगेट जो है इनका 1 करोड़ का है। ये पूछते हैं कि मुझे 10 से 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्या करूं सर, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे आपका मैंने कैलकुलेशन निकाला कि पूरा होगा नहीं होगा। टोटल जो है आपने यहाँ पे 9,000 की SIP किया है, टोटल कितनी है 9,000 की SIP, 15 साल अगर मान के चलता हूँ और रिटर्न मान के चलता हूँ 17% का, तो उस हिसाब से आपका पैसा बन रहा है 16,20,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है,
15 साल के अंदर और मैच्योरिटी वैल्यू बन रहा है 74,60,000 रुपए। यहां पे कुछ टैक्स भी है लेकिन नहीं बन रहा है, तो आपको क्या करना है, या तो आप SIP बढ़ा दीजिए 15,000 रुपए मंथली 15 साल के लिए और 16-15% का रिटर्न, या फिर आपको इतना ही करना है तो 5 साल और वेट करना है, यानी कि 20 साल के बाद आपको पैसे को निकालना है, रिडीम करना है, तब जाके आपका 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट देखिएगा, कैसी कैसी गलती करते हैं लोग। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 जो है इन्होंने म्यूचुअल फंड्स ले रखा है, तो ये गलती आप नहीं करना है। इन्होंने कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड भी यहां पे चुन रखा है, तो यहां पे 3-4 स्मॉल कैप चुन लेते हैं, 1-2 मिड कैप चुन लेते हैं और 1-2 जो है एक ही फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप चुन लेते हैं। इस प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा जो है 10 फंड ही रखना था अपने पोर्टफोलियो में, कितना 10 फंड रखना था। लेकिन ऐसी गलती आप ना करें कि फंड का जो है भरपूर बारिश कर दे अपनी पोर्टफोलियो में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। गिने चुने बेस्ट 5 से 10 तक ही फंड लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में रखिए और उसी में अपना टारगेट और गोल सेट कर लीजिए। इसी प्रकार से यदि आपको SIP करनी हो, लमसम करना हो, SWP में पैसा इन्वेस्ट करना हो, बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिनिमम जो SIP 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, लमसम आप स्टार्ट कर सकते हो, आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट से लेकर अगर कोई भी समस्या या प्रॉब्लम आती है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। और जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ले रखा है मेंबरशिप ले लीजिएगा, ताकि कुछ नया सीखने को मिले आपको और जो कि लोगों से हटकर सीखने को मिले। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन बटन के बाद मेंबरशिप है उसको भी ले लीजिएगा। मिनिमम जो प्राइस है वो 29 रुपये रखा है, ज़्यादा नहीं रखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।